और चलिए भोपाल से इस वक्त की बड़ी खबर, अरुण यादव को लेकर सुरेंद्र सिंह शेरा का बयान सामने आया है। सक्रिय नहीं रहते हैं अरुण यादव, ये शेरा की ओर से कहा गया है और कहा है कि सिर्फ चुनाव के समय ही लोगों से अरुण यादव मिलते हैं, हमारा परिवार हमेशा मेहनत करता है, खंडवा लोकसभा उपचुनाव को लेकर तैयारी पूरी है, हम हमेशा जमीन पर रहने वाले लोग हैं, खंडवा लोकसभा उपचुनाव को लेकर पूरी तैयारी है, ये सुरेंद्र सिंह शेरा की तरफ से कहा गया है। उन्होंने आगे भी कहा, उन्होंने कहा कि कांग्रेस से टिकट नहीं मिला तो दूसरे विकल्प खुले हैं, कांग्रेस को जीतना है तो हमें टिकट देना होगा। ये उन्होंने साफ कहा है कि कांग्रेस को अगर जीतना है तो हमें टिकट देना होगा। पत्नी के लिए मांगा है टिकट, टिकट के लिए सर्वे हुए हैं और हम नंबर वन हैं। उपचुनाव का बिगुल बज चुका है, लेकिन इस उपचुनाव में कई नेताओं पर नजर टिकी हुई है कि उनका अगला कदम क्या होगा। उनमें से एक नेता है निर्दलीय विधायक सुरेंद्र सिंह शेरा, क्योंकि वो ताल ठोक रहे हैं खंडवा लोकसभा के लिए। मेरे साथ इस वक्त मौजूद है सुरेंद्र सिंह शेरा, उन्हीं से बात करते हैं। सर, तारीखों का ऐलान हो गया है, क्या तैयारी है आपकी? हम तो शुरू से तैयार है, हम तो हमारा परिवार राजनीति में रहा, दो भाई सांसद रहे, 7 बार के हम MLA बुरहानपुर से, उसमें से 3 बार निर्दलीय MLA बने हमारा परिवार। हम तो तैयार ही रहते चुनाव के लिए, हमको तैयारी करने की जरूरत नहीं पड़ती। होमवर्क ही बहुत स्ट्रांग है, रोज पब्लिक से मिलना, लोगों के काम करना, पब्लिक के साथ रहते हैं, तो तैयारी करने की जरूरत ही नहीं पड़ती, हम तो लोग रेडी रहते कभी भी। टिकट नहीं मिलता है तो सारे विकल्प खुले हुए हैं अगले कदम के लिए, टिकट नहीं मिलता है तब का बोल रहा? टिकट नहीं मिलना, मिलना, चुनाव लड़ना, ये सब जनता तय करती है, हमारी जनता जनार्दन। विकल्प तो खुले हैं ना, ये पूछना चाह रहा हूं। हाँ जी बिल्कुल, जनता जनता जैसा चाहेगी वैसा करेंगे हम लोग जनता के साथ है। ठीक है, नहीं विकल्प तो खुले रहेंगे ना, टिकट नहीं मिलने के बावजूद भी अगर कांग्रेस टिकट नहीं देती तो उसके बाद विकल्प तो अगला तो खुले रहेंगे। टिकट देगी ना, टिकट क्यों नहीं देगी कांग्रेस? यार कांग्रेस को भी तो जीतना है ना भैया, क्यों नहीं देगी टिकट? कांग्रेस टिकट देगी, देख लेना इस बार पक्का है, मैं तो और श्योर हूँ कि टिकट मिलेगा। अरुण यादव काफी सक्रिय हैं उस वाले इलाके में और लग रहा है कि पार्टी उन्हें ही टिकट देगी, और आप कह रहे हैं कि आपके परिवार के अलावा कोई जीत नहीं सकता खंडवा लोकसभा। बिल्कुल बिल्कुल ऐसी स्थिति है, क्योंकि अरुण भाई यादव भी अच्छे व्यक्ति हो सकते हैं, लेकिन सतत लोगों से मिलने में नहीं मिलते हैं, वो अभी मुलाकात नहीं करते, क्योंकि चुनाव के टाइम में मिलना और होमवर्क स्ट्रांग करना, एग्जाम के टाइम में पढ़ाई करके परीक्षा देना और साल पूरे साल होमवर्क करके तैयारी करने में बहुत जमीन आसमान का फर्क रहता है। यानी आपके परिवार को टिकट नहीं दिया जाएगा और दूसरे को दे दिया जाए तो कांग्रेस निश्चित चुनाव हार जाएगी? वो तो समय बतलाएगा, उम्मीदवार कौन आता है, बीजेपी से कौन उम्मीदवार है, कांग्रेस से कौन उम्मीदवार है, और मैसेज क्या जा रहा है शहर के अंदर, वो सब डिपेंड करेगा। ये हैं सुरेंद्र सिंह शेरा, निर्दलीय विधायक बुरहानपुर। आपको बता दें खंडवा लोकसभा में आता है और वहां पर इनके परिवार का काफी वर्चस्व है, लगता है कि इस बार भी अगर टिकट नहीं दिया जाएगा तो कुछ और राह दिखा सकते हैं। कैमरामैन खेमचंद के साथ शब्बीर अहमद, न्यूज 24 भोपाल।